हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स, मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप सभी के लिए पिक कार्ड रीडिंग्स लेकर आ रही हूँ, तो आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या सिनेरियो बन रहा है एंड वेयर दैट सिनेरियो विल बी लीडिंग, ये सब कुछ आज के इस पिक कार्ड रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो, देयर आर थ्री ग्रुप्स गाइस, ग्रुप वन ऑरेंज, ग्रुप टू ग्रीन एंड ग्रुप थ्री पर्पल। तो जस्ट ट्राई टू फोकस गाइस, और जो भी ग्रुप या नंबर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे, यू कैन पिक दैट ग्रुप। ऑलराइट, तो सबसे पहले ग्रुप वन या ग्रुप ऑरेंज की तरफ बढ़ते हैं गाइस। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द नोविस एंड द क्लीन इट अप वाली एनर्जीज आई हैं। तो आप लोगों के लिए थीम यही है कि आप और आपके पर्सन काफ़ी टाइम से इस कनेक्शन पर आइदर कोई अटेंशन नहीं दे रहे हो, या फिर यहाँ पर एक स्टैग्नेशन में देख रही हूँ। इट इज़ नॉट मूविंग एनीवेयर, ना ये कनेक्शन आगे बढ़ रहा है, या फिर ना ही यहाँ पर आइदर क्लोजर भी नहीं हो रहा है, या फिर एक न्यू बिगिनिंग भी मैं नहीं देख सकती हूँ। देर इज़ समथिंग स्टैग्नेंट, या फिर कुछ लिम्बो में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो आइदर इट इज़ यू और योर पर्सन हु रियली डजेंट वॉन्ट टू वर्क ऑन द सिचुएशन या फिर कनेक्शन। जैसे कि द नोविस वाली एनर्जी से मैं ये कह सकती हूँ, इट टॉक्स अबाउट इनोसेंस, बिगनर, इग्नोरेंस, न्यू स्किल विदाउट प्रैक्टिस, अनस्टेबल क्यूरियोसिटी। तो इसका मतलब ये है गाइस कि आइदर इस रिलेशनशिप को आपने टेकन फॉर द ग्रांटेड ले लिया है, आप या आपके पर्सन, और आपको पता है ये पर्सन आपसे कहीं वॉक अवे नहीं हो सकते, या फिर आपने ऐसा सोच लिया है कि आपके पर्सन कहीं वॉक अवे नहीं हो सकते, आप दोनों ही यहाँ से नहीं कभी जा पाओगे, ये आप लोगों के माइंड में सेट है। और इसीलिए एक इग्नोरेंस यहाँ पर बना हुआ है, इस रिलेशनशिप पर आप लोग काम नहीं करना चाहते हो, या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि दोनों अपनी अपनी लाइफ में इस कदर बिजी होंगे कि आप दोनों को इस रिलेशनशिप की तरफ कोई नेक्स्ट एक्शन रखने का टाइम ही नहीं है। फाइन, तो ये एक चीज़ हो सकती है। एंड वन मोर थिंग इज़, आप एक दूसरे के शायद इंतज़ार में हो कि पहला एक्शन वहाँ से आए, और हो सकता है आपके पर्सन भी यही सोच रहे होंगे कि पहला एक्शन वहाँ से आए। तो एक मैं कह सकती हूँ ना, जानबूझकर सेल्फ सैबोटैज किया जा रहा है इस कनेक्शन को। और मोस्ट ऑफ द अदर केसेस में मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि ये कनेक्शन एक कैजुअल टाइप्स होगा, जैसे कि आज आए कल चले गए, यू नो, ऑन एंड ऑफ वही सेम चीज़ रिपीट हो रही होगी, कुछ भी यहाँ पर एक ग्रोथ या फिर प्रोग्रेस नहीं हो रही है, इट इज़ स्टक समवेयर और उसी पैटर्न में ये चल रहा है। यहाँ पर आइदर आपको या फिर आपके पर्सन को कोई ऐसी ट्रिगरिंग की ज़रूरत है जहाँ से आप एक ट्रांसफॉर्मेशन में आए। तो क्लीन इट अप एनर्जीज टॉक्स अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चेंज चाहिए आप लोगों को। आइदर ये आप यहाँ पर इनिशिएटिव ले सकते हो क्लीन इट अप के टास्क में, या फिर आपके पर्सन यहाँ पर कुछ ऐसा कर सकते हैं कि फाइनली समथिंग विल बी क्लीन इट अप। ओके, तो कुछ इस कनेक्शन में या फिर इस सिचुएशन में कोई क्लटर है, उस चीज़ को क्लियर करना है आपने। अगर वो मिसअंडरस्टैंडिंग का क्लटर है तो वो आप क्लियर कर सकते हो। अगर इस रिलेशनशिप को आपने ग्रांटेड ले लिया है तो वो भी एक गलत चीज़ है, क्योंकि किसी पर्सन को ग्रांटेड लेना, इट्स रियली वेरी नेगेटिव पैटर्न, जहाँ पर रिलेशनशिप आगे चलकर ख़राब होना ही होना है। तो अगर ये आप या फिर आपके पर्सन ऐसा सोचकर बैठे हैं, तो इनको क्लैरिटी दिला दीजिए कि आपको ये ग्रांटेड नहीं ले सकते, एक चीज़ ये कर सकते बाय क्लीनिंग इट अप, यू नो, या फिर आप एक क्लैरिटी में आ जाइए कि अगर आपका ऐसा बिहेवियर है कि आप इस पर्सन को किसी भी वे में टेकन फॉर द ग्रांटेड लेकर चल रहे हो, तो यू कैन नॉट ऑल्सो डू दैट। ये थॉट को क्लीन इट अप कीजिए। ओके, तो अब देखते हैं विद द टैरो एनर्जीज। यहाँ पर सिक्स ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज बन रही हैं, यानी कि अगर आप
ऐसे किसी थॉट प्रोसेस के चलते इस कनेक्शन से वॉक अवे हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस पर्सन को छोड़ दिया था क्योंकि ये पर्सन एक बहुत ही मेच्योर वे में एक्ट कर रहे थे होंगे, और आपको एक प्रॉपर वे में ना ही कोई कमिटमेंट दे रहे थे, बहुत ही सब कुछ कैजुअल सा लेकर अगर ये चल रहे थे, तो वहाँ से आप लोगों की एनर्जीज एक वे में विड्रॉ हो गई थी एक दूसरे से। नाउ दे आर बीइंग द किंग ऑफ कप्स, ओके। अब ये एक मैच्योरिटी में आ गए हैं, मतलब आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज के लिए कार्ड्स हैं, तो आपके पर्सन अभी एक मैच्योर वे में सोचने लगे हैं कि उस टाइम ये एक द नोविस वाली एनर्जीज में थे, बहुत ही ज़्यादा एक इमेच्योर वे में एक्ट किया करते थे होंगे, कुछ इनके अंदर एक सीरियसनेस नहीं थी, हर चीज़ को एक लाइट वे में लेना इनकी आदत रही होगी। तो ये अब एक किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज में आ गए हैं, ये वहाँ से पूरी तरीके से रिलीज हो चुके हैं उस एनर्जी से, जिस एनर्जी में आपने इनको छोड़ दिया था, आप वॉक अवे हुए थे। नाउ दिस इज द चेंज पर्सन, फाइन, बट यू आर बीइंग द क्वीन ऑफ सोर्ड्स हियर। आप अभी भी हो सकता है इनके लिए कुछ लिमिटेशंस वगैरह लेकर बैठे हो, फाइन। ये एक मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि अगर इस रिलेशनशिप को प्रोसीड होना भी होगा तो आपकी तरफ से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होंगे। ये वो पर्सन है जो आपको किसी वे में डिसअपॉइंट कर गए थे, या फिर इन्होंने अपनी हरकतें ऐसी रखी थी जहाँ पर आप एक और ट्राई देना या फिर इन पर दोबारा से ट्रस्ट करना शायद आपके लिए अभी पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज़ व्हाई यू आर बीइंग द क्वीन ऑफ सोर्ड्स हियर। एंड व्हाट इज़ द ऑब्स्टिकल यू कैन सी हियर, इट इज़ सिक्स ऑफ वैंड्स, ओके। तो आपने तो इन्हें एक लिमिटेशन या बाउंड्री दे दी है, यहाँ पर इवन किंग ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जीज हैं एंड सिक्स ऑफ वैंड्स की भी एनर्जीज। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि ही अंडरस्टूड आपकी पॉइंट, वो समझ गए कि आप कहना क्या चाहते हो, आप इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हो, ये सब कुछ समझ गए हैं। लेकिन यहाँ पर सिक्स ऑफ वैंड्स टॉक्स अबाउट ये अपनी रेप्यूटेशन या फिर अपनी पोजिशन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लाइक कैजुअलिटी के लिए शायद रेडी थे आपके साथ, यू नो, वो उनका इमेच्योर बिहेवियर नहीं था, वो एक्चुअल में इसी वे में आपके साथ बने रहना चाहते थे। मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि जो भी इन्होंने पास्ट में आपको जो भी एनर्जी शो की थी वो एक्चुअली इनका नेचुरल बिहेवियर नहीं था, वो चाहते ही थे इस वे में बने रहें आपके साथ ताकि ये किसी कमिटमेंट की तरफ आगे ना बढ़े, ओके। बट जब आपने एक बाउंड्री या फिर एक वॉल्स जो आपने क्रिएट कर दी हैं, तब ये समझ गए कि इस वे में एक्ट करना इट्स नॉट द वे। तो ये एक मैच्योर पर्सन की तरह शायद आपके साथ बिहेव कर रहे होंगे, बट स्टिल दे आर बीइंग द किंग ऑफ सोर्ड्स, यानी कि ये अभी भी आपकी वो बात को एग्री नहीं करना चाहते। अगर आपने इनसे कमिटमेंट सीक किया था तो दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दीज थिंग्स, या फिर आपको कोई कमिटमेंट ये नहीं देना चाहते अभी भी, क्योंकि ये जिस भी पोजीशन में अभी बने हुए हैं, आइदर विद देयर फैमिली या फिर जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है, उस चीज़ को लेकर बता रही हूँ मैं, वहाँ पर ये इन्होंने अपनी एक अच्छी खासी पोजीशन इन्होंने वहाँ पर सेट करके रखी, अपने आप को एक विनर की तरह इन्होंने, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी की तरह इन्होंने खुद को शो किया है। ये अगर इनकी सोशल लाइफ है तो मे बी दे आर रियली वेरी चार्मिंग, दे आर वेरी वेरी मच लाइक, अपनी प्रेजेस को सुनना इनको बहुत अच्छा लगता है, अपनी अपने आप को खुद को एडोर करना इनको अच्छा लगता है, जब लोग इनको अप्रिशिएट करते हैं तो दे जस्ट लविंग दैट थिंग। तो अगर ये सोशल मीडिया के हीरो हैं या मतलब एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं और ये बहुत ज़्यादा काफ़ी चार्मिंग है और इनकी हर एक एक स्टेटस लोग देखते हैं, इन पर हमेशा नज़र रखते हैं कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो अगर ये इस तरह की पर्सनालिटी हैं तो ज़रूर ये अपनी पोजीशन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और इसीलिए ये आपके टूवर्ड्स कोई कमिटमेंट नहीं रख सकते, क्योंकि इनको पता है कि इनकी हर एक्टिविटी देखी जाती है और इन पर बहुत लोगों की नज़र है, और अगर ये फैमिली में भी अपने बहुत ज़्यादा माने जाते हैं, प्यार किए जाते हैं, फैमिली वाले भी इन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, इनकी पोजीशन बहुत अच्छी होगी अगर इनकी फैमिली में, तो वहाँ पर भी अपनी पोजीशन आपको कमिटमेंट देकर खोना नहीं चाहते।
यू नो, सो देर इज अ सिचुएशन, ये अपनी पोजिशन से हटना नहीं चाहते और इन्होंने जिस भी वे में आपके साथ पास्ट में रिएक्ट किया था वो चाहते भी यही थे गाइस कि आपके साथ एक कैजुअलिटी के साथ ही बने रहें, ये आपके साथ सीरियस कमिटमेंट नहीं चाहते थे। तो नाउ दिस इज द टाइम, आर यू रिमाइंडिंग ऑफ दोज एनर्जीज, क्लीन इट अप एनर्जीज, आपसे ये कहना चाह रही थी कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो जस्ट क्लीन इट अप, समझ जाइए कि ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, ओके okay? और व्हेन वंस यू क्लियर दैट एयर बिटवीन द टू ऑफ यू, आप समझ जाओगे कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, तो उसके बाद आप अपना नेक्स्ट एक्शन हैंडल कर सकते हो, राइट right? जैसे कि पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई हैं आपके लिए, तो यू हैव टू बी केयरफुल वाइल इन्वेस्टिंग इन दिस कनेक्शन। जैसे कि आप जितना यहाँ पर अपनी एनर्जी, अपना टाइम, जितना भी जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे थे, नाउ यू गाइज हैव टू बी रियली वेरी केयरफुल कि ये पर्सन आपको जितना देना चाहता है उतना ही आप इस पर्सन को दोगे, उससे ज़्यादा आप भी इन्वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि यू आर लिटरली वेस्टिंग योर टाइम हियर, इजंट इट, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा। दैट इज़ वाई, इसीलिए तो आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स बने हुए हो। तो ऐसे पर्सन के लिए आपको अपनी लिमिटेशंस, बाउंड्रीज पता है कि आपको किस वे में इस पर्सन के साथ बिहेव करना है। एंड बीइंग द मैजिशियन, यू आर द मैनिफेस्टर, यू आर द क्रिएटर, तो आप डिसाइड कर सकते हो, फाइनली इट इज़ अप टू यू किस पर्सन से आपको क्या चाहिए, ओके okay? तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर मैसेज आ गया है आपके लिए, आपको यूनिवर्स एक इंडिकेशन दे रहा है कि समझ जाइए कि इस पर्सन का एक पैटर्न रहा है और इस पैटर्न से परे वो आपको कुछ और नहीं दे सकेंगे, क्योंकि वो चाहते ही यही थे कि आपके साथ एक कैजुअल रिलेशनशिप में बने रहें, भले ही वो फ्रेंडशिप हो या फिर एक कैजुअल रिलेशनशिप हो, लेकिन वहाँ पर सीरियस कमिटमेंट की शायद बात जब भी आती थी, ये हो सकता है आइदर दे वॉक अवे या फिर दे जस्ट गिव यू सो मैनी सिली रीजन्स, जहाँ पर आपको शायद बिलीव नहीं होता था होगा कि ये एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं। तो अगर आप कंफ्यूज थे तो यूनिवर्स इज गिविंग यू दो साइंस कि अभी आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर कंट्रोल करना है, एनर्जीज को ज़्यादा ओवरस्पेंड यहाँ पर करना नहीं है। अगर वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है इस कनेक्शन को लेकर, या फिर एक इवन एनर्जी वाइज अगर इन्वेस्टमेंट है, इवन लव वाइज भी अगर इन्वेस्टमेंट है इसका, इस रिलेशनशिप पर आप जो भी करना चाह रहे हो, स्टॉप डूइंग दैट। और ये जितना देते हैं बस उतना ही आप भी इनके साथ एक गिव एंड टेक में रह सकते हो। एंड अबाउट द मैजिशियन, दिस इज द कार्ड ऑफ आउटकम, तो आउटकम यही है गाइज, इट इज़ रियली अप टू यू इस पर्सन के साथ क्या आप कैजुअलिटी में रहना चाहोगे, एक कैजुअल रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहोगे। इफ़ योर आंसर इज येस, देन यू कैन गो अहेड, और अगर नहीं तो ज़रूर यू आर द मैनिफेस्टर, जैसे कि मैंने कहा कि आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हो जो आपके लिए डिजर्विंग है। एंड क्लीन इट अप का कार्ड यही कह रहा था आपसे कि जो आपके लिए अनसर्विंग है, जो आपके लिए, आपके लाइक बेटरमेंट के लिए, आपके हाईएस्ट गुड के लिए जो भी चीज़ें सर्विंग नहीं है, क्लीन इट अप दैट, ओके। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक सजेशन लेना चाहती हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो ग्राउंड एंड सेंटर, तो ये आप लोगों के लिए एनर्जीज हैं गाइस। तो इस एनर्जी के साथ मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगी गाइस कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो जस्ट ग्राउंड योरसेल्फ। अगर इस पर्सन की वजह से आपको हमेशा एक डिस्ट्रैक्शन मिलती आई है, जैसे कि ये ऑन एंड ऑफ होते हैं, और अगर आप अपने लाइफ के किसी ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशन से हट रहे हो, तो दिस इज द सजेशन फ्रॉम द यूनिवर्स के आपको उस डिस्ट्रैक्शन की तरफ ध्यान नहीं देना है, अपने आप को क्लियर एंड फोकस्ड वे में बनाकर रखिए, क्योंकि आप एक मैजिशियन हो अपनी इस जर्नी में, तो आपके लिए जो सर्विंग रहेगा आप वही मैनिफेस्ट करोगे। बट जस्ट डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि ये पर्सन आएंगे हर बार आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे आपसे, मतलब हो सकता है दोबारा से वही सारे वादे, और आपको दोबारा से एक होप अगर ये देकर जाते हैं, फाइनली इवेंचुअली ये कुछ नहीं करते, तो अभी आपको समझना होगा इनका पैटर्न क्या है और काफ़ी टाइम से इन्होंने किस वे में आपको बना कर रखा है, एक स्टैगनेशन में बना कर रखा है। तो यू हैव टू क्लीन अप that energy and you have to ground yourself, focus on your aim, जो भी आपका goal है उस पर आप focus कीजिए, तब आप जो भी manifest करोगे वो आपको मिलेगा, okay? और किसी भी manifestation को पूरा करने के लिए guys, you have to ground yourself first,
ठीक है, पक्का इरादा, एक पक्का यकीन आपको अपने अंदर बिल्डअप करना पड़ेगा, तभी आप जो भी चीज़ चाहोगे यूनिवर्स से वो आपको मिलने वाली है, ओके, और 100% मिलेगी, क्योंकि यू आर बीइंग द मैजिशियन हियर, फाइन, यू आर द मैनिफेस्टर, क्योंकि यू गाइज हैव ऑल दोज रिसोर्सेस एंड ऑल दोज टूल्स जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ के ब्यूटिफुल चीज़ों को जो आप डिज़र्व करते हो एक्चुअल में वो आप मैनिफेस्ट करोगे। तो जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम हियर। अगर आपको लगे कि इस पर्सन का वही पैटर्न चल रहा है आपकी लाइफ में, तो नाउ दिस इज़ द टाइम कि आप खुद को एक ग्राउंड वाली एनर्जीज में लेकर आएँ, खुद को ग्राउंड करें और एक पक्का फोकस बनाकर वहाँ से आप अपनी लाइफ की ब्यूटीफुल चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस। इन केस अगर आपको लग रहा है कि ये ग्रुप आपसे बिलोंग नहीं करता, यू कैन चूज सम अदर ग्रुप गाइस। ऑलराइट, तो जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली पिक अप कार्ड रीडिंग्स में। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। वेलकम ग्रुप टू और ग्रुप ग्रीन। यहाँ पर आप लोगों के लिए एनर्जीज आई हैं द अर्थ फेरी एंड नेवर एंडिंग स्टोरी। तो ज़रूर गाइस, यहाँ से जो मैं एनर्जीज स्क्रैप कर पा रही हूँ, आप लोगों का जो कनेक्शन है, ये जो भी पर्सन है वो एक सेम पैटर्न में चल रहा है, यानी कि मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी। अगर आप यहाँ से वॉक अवे होना चाह रहे हो तो वॉक अवे नहीं हो पाते हो, और इस पर्सन का आपकी तरफ कोई ठीक तरीके से रिस्पॉन्स भी नहीं आता होगा, और आप अगर यहाँ से लाइक कहीं और अपना ध्यान रखना भी चाहें तो यू गाइज आर अनेबल टू डू इट। सो अर्थ फेरी के कार्ड से मैं ये देख सकती हूँ, इस पर्सन की वजह से एक फिजिकल हेल्थ ग्राउंडिंग एंड फाउंडेशंस की आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। मतलब इट टॉक्स अबाउट आइदर आप एक फिजिकल हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे हो। इस पर्सन की वजह से आपने काफ़ी सारा टाइम एक स्ट्रेस जोन में बना लिया है अपना। इस पर्सन के बारे में आप आइदर सोचते रहते हो और इस पर्सन का शायद इंतज़ार कर रहे होते हो। तो ये जो पैटर्न आपने बना लिया है इसको चेंज करना है, फाइन। यहाँ पर आपको फाउंडेशंस के बारे में ज़्यादा सोचना है कि इस कनेक्शन की फाउंडेशन फाइनली बैठ सकती है या नहीं, और इस कनेक्शन में एक फाउंडेशन लेकर आने के लिए आपको क्या करना पड़ सकता है। तो ये जो नेवर एंडिंग स्टोरी है, यहाँ पर आपको एक स्टैंड लेना होगा आइदर अपने लिए या फिर उस पर्सन के टूवर्ड्स, कि वहाँ पर आप एक क्लैरिटी सीख कर सकें उस पर्सन से। कुछ तो वो आंसर देंगे, राइट, और जब आपको आंसर्स वहाँ से नहीं मिल रहे हैं तो जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ। याद रखना गाइस, जब तक आप अपने आप को एक नेगेटिव एनर्जीज के साथ बनाकर रखते हो, आप अट्रैक्ट भी सारी नेगेटिव चीज़ें ही कर रहे होते हो। आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव नहीं शिफ्ट हो रहा होता, दैट इज़ वाई इट इज़ नेवर एंडिंग स्टोरी। आप अपनी लाइफ के पैटर्न को ही रिपीट करते जा रहे हो, वही सेम ओल्ड स्टोरी आपके सामने रिपीट होकर आपकी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती है, वही आप लोग चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में सजेस्ट कर रहा है कि जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन योर ओन सेल्फ, पहले सेल्फ लव में आइए, तब चीज़ों को एक इंट्यूटिवली सोचने की और एनालाइज करने की कोशिश कीजिए, पता कीजिए कि कहाँ पर क्या मिस हो रहा है। और अगर आपको एक फर्म फाउंडेशन नज़र नहीं आ रहा है, इस पर्सन की तरफ से आपको एक फर्म फाउंडेशन नहीं मिल रहा है, देन ट्राई टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, ओके। खुद के लिए स्टैंड लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इज़न्ट इट। तो आपके पर्सन अगर आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आपको खुद के लिए कुछ करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग सजेशन फ्रॉम द यूनिवर्स कि ये जो रिपीट हो रहा है आपकी लाइफ में, जो एक ड्रामा सा चल रहा है, इस ड्रामे को स्टॉप कर दीजिए। कह दीजिए कि दिस ड्रामा आई कैन नॉट हैंडल एनी मोर, बहुत हो गया, ओके। कभी कभार क्या होता है, हमारा एक जेनरस बिहेवियर होता है, एक हमारा काइंड नेचर होता है, जिसका एडवांटेज लोग उठाते हैं, हमें टेकन फॉर द ग्रांटेड ले लेते हैं, इज़न्ट इट। तो अभी इस पैटर्न में नहीं रहना है अपने। ये जो भी पर्सन हो आपके, आइदर कार्मिक हो, ट्विन फ्लेम हो, जो भी हो, इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ एक स्टैग्नेशन में जा रही है, एक स्ट्रेस जोन में जा रही है, जहाँ पर आप अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हो। तो नाउ दिस इज द टाइम टू एंड दिस स्टोरी, या फिर मोर प्रिसाइजली एंड दिस ड्रामा,
ओके, एंड द स्टैग्नेशन और एंड द साइकिल। आप कुछ करना है, कुछ यहाँ पर एक फ्रेश वे में कुछ स्टार्ट करना है, अपने आप पर ध्यान देना है, अपने आप में एक पॉजिटिव शिफ्ट लेकर आना है ताकि हम हमारी जिंदगी में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकें। इजंट इट सो सिंपल गाइज? तो यही आपने करना है। अब आते हैं टैरो कार्ड्स की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप एनर्जीज में देख सकते हो, प्रिंस ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, द एम्परर, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। तो एक चीज मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि प्रिंस ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आपकी जो लाइक इस रिलेशनशिप में एक फाउंडेशन रही है, वो पहले तो हो सकता है आप दोनों लाइक प्रीवियसली, नॉट राइट नाउ, पास्ट में आप लोग बहुत अच्छा एक दूसरे से जेल करते थे होंगे। यू गाइज यूज टू जेल विथ ईच अदर सो नाइसली, और वहाँ से आप लोगों का एक बहुत ही एंथुजियास्टिक रिलेशनशिप प्रोसीड हो रहा था। आपको लगा कि दिस इज़ द पर्सन ऑफ योर लाइफ टाइम और दिस इज़ द रोमांस ऑफ योर लाइफ टाइम। तो चीज़ें उस वे में प्रोसीड होती चली गई, लेकिन इस पर्सन ने हो सकता है कभी आपके टुवर्ड्स कोई कमिटमेंट नहीं रखा, और अगर ये आपसे एक इनडायरेक्ट वे में भी अप्रोच बना कर रखते थे तो इन्होंने वहाँ पर सिर्फ ये आपको एहसास दिलाया कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर मुझे मैस्कुलिन्स की एनर्जीज सेंस हो रही हैं। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नीज में हो तो हो सकता है ये आपके मैस्कुलिन हैं। इन्होंने कभी भी अपनी जो फीलिंग्स हैं कभी भी शायद आपके सामने जाहिर होने नहीं दी, बट आप दोनों की जो लव लाइफ का एक जो टेम्पो है वहाँ पर इन्होंने कोई कमी आने नहीं दी, उस फ्रिक्वेंसी को इन्होंने मेंटेन रखा, मतलब आपका अटेंशन हमेशा ग्रैब करके रखा, एक एडवेंचरस एनर्जीज में आपको बना कर रखा कि ये आपके रनर बने और आपको चेजर बना कर रखा। कभी भी वो चीज़ ख़त्म होने नहीं दी इन्होंने, आपका अटेंशन भी इन्होंने ग्रैब करके रखा और चीज़ों को अपने हिसाब से इन्होंने हैंडल करने की हमेशा कोशिश की है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसिंग था और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा होगा, क्योंकि इस पर्सन की तरफ से आपको एक कंपैशन भी नज़र आता था। मीनवाइल आपको ऐसा लगता था कि ये पर्सन आइदर आपसे प्यार करते भी हैं या जस्ट दिखावा करते हैं, तो आप एक अनश्योर वे में भी इनको चेस करने लग पड़ते थे। तो यही हुआ है गाइस, एक नेवर एंडिंग स्टोरी यहाँ पर चल रही थी। नाउ दिस इज द टाइम आपको इस ड्रामे को एंड करना है, इस पैटर्न को आपने एंड करना है। आपके पर्सन अभी किंग ऑफ कप्स के एनर्जीज में है, हो सकता है ये अब समझ गए हैं और आप इनको एक अभी भी शायद एक किंग ऑफ कप्स की ही एनर्जीज में देखते हो, आप स्टिल अपना प्यार इनके सामने रखते हो, लेकिन आपके पर्सन इस बात को जानते हैं कि आप इनको एक किंग की तरह ट्रीट करते हो, लेकिन दे आर स्टिल मास्टरिंग देयर इमोशंस। अभी भी ये अपने आप को छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को ये आज भी छुपाते हैं, लेकिन वो कंपैशन आपको ज़रूर शो करते होंगे। आपको बना कर रखा है इन्होंने, वो स्टोरी को एंड नहीं होने दे रहे, दैट लाइक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बन रही है। जैसे ही आप कहीं और ध्यान देने की कोशिश करते हो, जैसे कि मैंने कहा कि जैसे ही आप कहीं और मूव ऑन करने की कोशिश करते हो सडनली अपीयर हो जाते हैं, तो यही चल रहा है। और इस सिचुएशन की वजह से आप लोग एक टू ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जीज में हैं और ये भी एक टू ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जीज में है, ना आपके साथ ये एंड कर पा रहे हैं, ना ही आपको किसी वे में कुछ एक फर्म फाउंडेशन दे पा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसिंग है और बहुत ज़्यादा लाइक कंफ्यूजिंग है आप लोगों के लिए भी। और ये ज़रूर इनकी कोई ऐसी सिचुएशन है विद द हायरोफेंट एनर्जीज, ये आइदर मैरिड होंगे गाइस, ये किसी और के साथ आइदर मैरिड होंगे या फिर इनका एक डाइवोर्स प्रोसेस वगैरह चल रहा होगा। तो ये आपसे इसीलिए ओपन अप नहीं हो रहे खुलकर कि इनको श्योर नहीं है कि विद द अदर पर्सन ये कहाँ तक एक जस्टिफिकेशन रख पाएंगे, क्या वो डाइवोर्स होगा नहीं होगा, और अगर वो मैरिड हैं तो इट इज़ वेरी क्लियर कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहले पूरा करना चाहते हैं, उसके बाद अपनी लव लाइफ पर पूरा फोकस लगाना चाहते हैं। तो मे बी इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू हैंडल द टू सिचुएशंस जहाँ पर दोनों ही जगह आपका इक्वल अटेंशन लगता है। ओके, द एम्परर वाली एनर्जीज ऑल्सो टॉक्स अबाउट, अगर इनके कोई बच्चे भी हैं और एक फैमिली पर्सन है ये, तब तो इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है गाइस, आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आप क्या कर रहे हो,
आप यहाँ पर स्टिल यू गाइज आर रियली होपफुल, स्टिल यू गाइज आर एक्सपेक्टिंग द मिरेकल्स, और आप इस कनेक्शन पर अभी भी हर बार ट्राई देना चाहते हो, यू नो, आप यहाँ पर गिव अप नहीं करना चाह रहे हो, ये मैं देख रही हूँ। तो आप लोगों को अच्छे से पता है गाइज कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी एक एम्प्रेस है, तो आपको देखना होगा द आउटकम इज यहाँ पर द एम्प्रेस वाली एनर्जीज हैं। तो आइदर इनकी लाइफ में जो भी पर्सन कंट्रोलिंग है, आइदर इनकी वाइफ, हस्बैंड, एक मदर, सिस्टर, जो भी इनके लाइफ में एक जस्टिस में है, यानी कि इनकी तरफ इनका हक बनता है, यू नो। तो अगर ऐसी कोई पर्सनालिटी है, दैट इज द मेन ऑब्स्टिकल फॉर यू गाइस, तो आपको देखना होगा, समझना होगा कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो आप पूरा फोकस इन पर लगाने के बजाय आप अपनी लाइफ में फोकस करोगे, आप अपनी लाइफ के अदर एरियाज पर काम करोगे जहां से आप एक पॉजिटिविटी सेंस कर पाओगे, तो फाइनली वो सेल्फ लव आपके अंदर क्रिएट होगा। और जो मैंने कहा कि ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो आपके पर्सन आपसे वॉक अवे तो नहीं होंगे, इनका आना जाना आपकी लाइफ में लगा रहेगा, लेकिन इस पर्सन की वजह से आप अपनी लाइफ खराब नहीं कर सकते। तो यू हैव टू सी के वेयर यू कैन ग्राउंड योर सेल्फ, आपकी लाइफ की फाउंडेशन आपको बिल्डअप करना है। इस पर्सन पर कंप्लीटली आप निर्भर होके अपने लाइफ के अदर एरियाज पर आप काम करना छोड़ दोगे तो दिस इज रॉन्ग गाइज, यही आपको यूनिवर्स कहना भी चाहता है। ये मतलब समझ लो आपके लिए सजेशन है, स्ट्रॉन्ग आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एक गाइडेंस है कि आपको अभी संभलना है, इनकी लाइफ के जो ऑब्स्टिकल्स हैं उन पर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए, ना कि ये पर्सन आपको क्या दे सकते हैं उस पर, यू नो। तो जस्ट लुक एट द ऑब्स्टिकल्स और ट्राई टू फोकस ऑन योर सेल्फ। जितना एफर्ट आप इस कनेक्शन पर लगा रहे हो, उतना एफर्ट आप अपनी लाइफ के उस एरिया पर लगाइए जहां से आपको ग्रोथ मिले, जहां से आपको हैप्पीनेस मिले, और आपको वो चीज या फिर वो एरिया आपको पॉजिटिविटी दे। वहां पर जब आप एक बार ग्राउंड कर लोगे खुद को, एक फाउंडेशन अपने आप को दे दोगे, तो आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे, और उसके चलते डिवाइन टाइमिंग आपके भी लाइफ में आएगा और आपको भी वो प्रॉस्पेरिटी इस कनेक्शन में और अपनी लाइफ में मिल सकती है गाइस। तो आपको अपने आप पर ध्यान देना है और ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट होके अपनी एनर्जीज को लाइक एग्जॉस्ट नहीं करना है आपने, चूंकि आप शायद कर रहे हो, इस पर्सन के बारे में आप कंटिन्यूस सोच रहे हो। तो यहाँ पर आपके लिए सजेशन के लिए कार्ड आया है चेंज एंड प्रोग्रेस। तो मैंने जैसे कि कहा भी, इस पैटर्न को आपने चेंज करना है, अगर कुछ मैनिफेस्ट करना है आपको अपनी लाइफ में, कुछ पैटर्न्स होते हैं, उन पैटर्न्स को जब आप चेंज करोगे, अपनी एनर्जीज में एक चेंज लेकर आओगे, तो वहां से शुरू होगी आपकी ग्रोथ, आपकी प्रोग्रेस, और आप अपने लाइफ के उस स्टैग्नेशन एरिया से एक ब्यूटिफुल फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ सकते हो। यू गाइज हैव टू गो थ्रू सम ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, एक ट्रांजिशन में आपको आना है, एक एनर्जी के शिफ्ट से दूसरे एनर्जी के शिफ्ट में, एक साइकिल से दूसरे साइकिल में आपको स्टेप इन करना है, तभी ये पैटर्न आप एंड कर पाओगे, ये जो नेवर एंडिंग स्टोरी है, तभी आप यहाँ से ब्रेक थ्रू हो पाओगे। एंड नाउ दिस इज द हाई टाइम, यहाँ से आपको ब्रेक थ्रू होना है टू ब्रिंग दैट चेंज, ओके, टू गेट दैट प्रोग्रेस। आई होप गाइज ये शिफ्ट अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो जरूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये आपका ग्रुप नहीं है तो यू कैन पिक सम अदर ग्रुप, फाइन। तो मिलते हैं बहुत जल्द अपनी अगली पिक कार्ड रीडिंग में गाइज, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। वेलकम ग्रुप 3, ग्रुप पर्पल। तो गाइज यहाँ पर आप लोगों के लिए एनर्जीज आई हैं द हाई प्रिस्टेस एंड टिकटॉक। तो इन एनर्जीज के साथ मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी डिसीजन मेकिंग में स्टक हैं, यानी कि आपके लाइफ में अगर दो सिचुएशन है और इस पर्सन की वजह से आपने एक डिसीजन को होल्ड में रखा है कि जैसे ही वहाँ से आंसर आ जाएगा तो मैं अपने लाइफ में ये करूँगा या ये करूँगी, और बिकॉज ऑफ दैट थिंग आप स्टक हो और आपने अपने लाइफ के अदर एरियाज को इस पर्सन पर डिपेंड करके रखा है कि जब ये पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में तभी आप कोई चॉइस मेकिंग करोगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है अगर आपकी लाइफ में दो लिटरल चॉइसेस हैं, वहां पर आपको एक पर्सन को पिक करना है, तो हो सकता है यू गाइज आर टेकिंग द टाइम टू पिक अ चॉइस फ्रॉम देयर, ओके। तो ये आप लोगों की सिचुएशन है। अगर इफ यू गाइज आर इन
दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, तो आपको अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके लिए हाई प्रिस्टस वाली एनर्जीज आई हैं, डिसर्नमेंट, प्रिसाइंस, प्रोफेसी, विजन। तो गाइज, आपको सब कुछ पता है, मतलब ये जितने भी सेट ऑफ फेमिनिन्स हैं ना, इनको ऑलरेडी पता है कि इनके लाइफ में कौन सी चीज़ इनके लिए परफेक्ट रहेगी। बट वो कहते हैं ना कि आपको अभी भी एक काइंड ऑफ एन इल्यूजन है। अगर आपको इंट्यूशन आपका कुछ कह रहा भी है, तो शायद यू गाइज आर नॉट लिसनिंग टू दैट। आप फिर भी टाइम ले रहे हो, जबकि एक सारी क्लैरिटी आपको ऑलरेडी नज़र आ रही है, लेकिन उस क्लैरिटी को भी आप एक इल्यूजन मान रहे हो। आपको लगता है कि चीज़ें आपके हिसाब से या फिर टाइम के हिसाब से सही हो जाएंगी। सो यू गाइज आर बीइंग पेशेंट हियर, यू गाइज आर नॉट लिसनिंग टू योर इंट्यूशंस। बट आपके इंट्यूशन ने, बीइंग द हाई प्रिस्टेस एनर्जीज, आप लोग बहुत सारे यहाँ पर अवेकन होंगे गाइज। आप लोगों को इंट्यूशंस मिलती होंगी कि आपको क्या करना चाहिए। आपको पहले से ही एक अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा पर्सन आपके लिए सही है या फिर कौन सा पर्सन आपके लिए गलत है, कौन सी सिचुएशन आपके लिए सही रहेगी और कौन सी गलत रहेगी। एक वाइब्स आ जाती है आपको, पॉजिटिव वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स। आपको वो वाइब ऑलरेडी आ चुकी है और आप समझ रहे हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे या नहीं, या फिर अगर ये आएंगे तो भी क्या क्या वहाँ पर सिनेरियो होगा, पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगे। यू गाइज आर ऑलरेडी नोइंग दैट। और अगर एक और चॉइस को लेकर यहाँ पर डिसीजन मेकिंग है, तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसे होंगे जो आपको एक फर्म फाउंडेशन देने के लिए रेडी बैठे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जिसको भी आप दिल से चाहते हो, जिनके साथ हो सकता है आपका कर्मा जुड़ा है और उनके साथ एक स्टिल गिव एंड टेक बाकी है। कर्मा ज़रूरी नहीं गाइज हमेशा नेगेटिव वे में जुड़ा होता है, पॉजिटिव कर्मा भी जुड़ा होता है। तो उस पर्सन के साथ आपको कुछ अच्छा करना होता है, तो ये भी एक कर्मा ही है। तो इसलिए हो सकता है आपका उनके साथ एक गिव एंड टेक आपको फील होता है, तो आप वहाँ से वॉक अवे नहीं होना चाहते, आप उस पर्सन को टाइम देना चाहते हो। अगर उस पर्सन ने आपके आपके पास से टाइम लिया है, या फिर उन्होंने कहा है कि मुझे इतना टाइम दे दो, मैं इस टाइम तक सब कुछ ठीक कर दूंगा या कर दूंगी, तो मे बी यू गाइज वॉन्ट टू गिव दैट टाइम टूवर्ड्स देम। अब देखते हैं टैरो कार्ड्स के साथ, जैसे कि यहाँ पर एनर्जीज में देख सकते हो आप, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज हो सकता है जब आपने इस रिलेशनशिप को प्रोसीड किया था, तब भी इनकी लाइफ में दो सिचुएशंस थे, और आपकी भी लाइफ हो सकती है ये, आपकी भी लाइफ में दो ऑप्शंस पहले से ही हैं, और आप यही तय नहीं कर पा रहे हो आज भी टू ऑफ सोर्ड्स के एनर्जीज के साथ कि मैं यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ। यू गाइज आर रियली वेरी कन्फ्यूज्ड, और आप पेशेंटली बने हुए हो, आप कोई डिसीजन मेकिंग करना ही नहीं चाहते। और याद रखना एक बात, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपका जो दिल है, आपका जो इंट्यूशन है, वो क्या चाह रहा है, उस चीज़ को हमेशा सुना कीजिए, बाकी का सब कुछ भूल जाइए। यू नो, जो आपकी गट फीलिंग है वो क्या कहती है, और वही बात आपको यहाँ पर सुननी है। इसलिए यूनिवर्स इज गिविंग यू दैट सजेशन कि नाउ दिस इज द टाइम कि यू हैव टू लिसन टू योर हार्ड कोर इंट्यूशन। उस इंट्यूशन को जो अभी तक शायद आप अवॉइड कर रहे हो, सुन लीजिए क्या कहना चाहती है आपकी इंट्यूशन, कौन सा पर्सन आपके लिए सही होगा या फिर कौन सी सिचुएशन आपके लिए सही होगी। यू ऑलरेडी हैव गॉट दैट आइडिया, ओके। और यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट कि आप लोग, आइदर यू और योर पर्सन इज नॉट गिविंग योर 100% ईयर। जैसे कि मैंने आपको बताया भी, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए यू हैव टू बी 100% श्योर कि यस, मुझे ये चाहिए तो यही चाहिए। अगर आपने एक और ऑप्शन रखकर इस पर्सन के लिए ट्राई रखा है और तब आप इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, तो ना ही वो मिलेंगे ना ये मिलेंगे आपको, ओके। तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो एक ही पर्सन के लिए होना चाहिए, एक ही जगह होना चाहिए, तभी आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो। द सन वाली एनर्जीज यहाँ पर यही कहती हैं कि अगर आप अपना जो 100% फोकस है वो जस्ट वन डायरेक्शन में रखोगे, तो आपको वो चीज़ मिलेगी, वो हैप्पीनेस मिलेगी। एंड टेन ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द हैप्पी फैमिली कार्ड, एक मैरिज कार्ड है, हैप्पी फैमिली कार्ड है, हैप्पी एंडिंग कार्ड है, ओके। तो यू नो दैट कि कौन है ऐसे पर्सन जो आपको खुशियाँ भी दे सकते हैं और आपको एक हैप्पी फैमिली भी दे सकते हैं। यू नो दैट,
लाइक आपकी इनर नोइंग है उस पर्सन को लेकर, यू नो दैट, तो व्हाई यू गाइज आर वेटिंग हियर? तो इस पर्सन के लिए जहाँ से आपकी हैप्पीनेस जुड़ी है, जहाँ पर आपको एक कंप्लीटनेस नज़र आती है कि यस मुझे यही पर्सन चाहिए, तो जस्ट गो फॉर दैट पर्सन. और नाइट ऑफ सोर्ड्स एनर्जीज टॉक्स अबाउट द डिसीजन मेकिंग इन हेस्ट. तो अभी आपको अगर टाइम लेना है, बिकॉज हाई प्रेस्टेस वाली एनर्जीज आपसे ये भी कहती हैं कि इफ़ यू आर अनेबल टू डिसाइड समथिंग, जस्ट गेट इन टू योर इनर नोइंग. अपने आप से पूछिएगा कि आपके लिए क्या सही है, और अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो जस्ट डोंट वेस्ट दैट टाइम, गो फॉर इट, टेक दैट डिसीजन. कुछ भी मतलब वहाँ पर आपको नुकसान नहीं होगा. कभी कभार क्या होता है, हमारा दिल और हमारा ज़मीर हमें कह देता है कि जस्ट गो फॉर दैट, और हम उस वक्त अपने इनर सेल्फ की हम बात नहीं सुनते हैं. तो क्या होता है, वो मौका हमसे चला ही जाता है, कम्प्लीटली वो अपॉर्चुनिटी ही मिस हो जाती है हमसे. फिर हम जब हमें रियलाइजेशन होती है यार कि हमें उसी वक्त यहाँ पर डिसीजन लेना था, हम उस वक्त समझ नहीं पाए, मेरा दिल ने कहा था लेकिन मैंने समझा नहीं, यू नो, ऐसा पछता हुआ हुआ है ना कभी? तो ये वही चीज़ है. अभी जब आपको डिसीजन मेकिंग के लिए कहा जा रहा है कि जस्ट गो फॉर इट, जो भी आपके लाइफ में सिचुएशन है, दो सिचुएशन है यहाँ पर मैं क्लियरली देख सकती हूँ. एक सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आपकी कम्प्लीटली एक हैप्पीनेस जुड़ी है, आपका फ्यूचर जुड़ा हुआ है, और एक कम्प्लीट हैप्पी फैमिली की तरफ आप प्रोसीड करोगे, इट्स अ कार्ड ऑफ अ मैरिज. तो अगर आप शादी के लिए वेट कर रहे हो और किसी और के लिए इंतज़ार कर रहे हो जो कि आपके लिए हो सकता है आगे चलकर सर्विंग नहीं है, तो यही एक मौका मिला है आपको, और आपकी इनर नोइंग जानती है इस बात को. अगर वो आपको, आपका इनर सेल्फ अलाउ कर रहा है टू टेक दैट एक्शन, जस्ट गो फॉर इट. ओके, यही आपके लिए आज की एनर्जीज में आया है. अब देखते हैं कि व्हाट इज द सजेशन फॉर यू. तो यहाँ पर एनर्जी आई है गाइज सीजनल हार्वेस्ट. तो इस एनर्जी से इट इज़ रियली वेरी क्लियर, इट इज़ द कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन. तो ये कार्ड आपसे यही कहना चाहता है गाइस कि अभी आप जो भी मैनिफेस्ट करने के लिए जो भी सीड्स प्लांट करोगे, वही आपको हार्वेस्ट मिलेगा. हार्वेस्ट आप पॉजिटिव भी हार्वेस्ट कर सकते हो, नेगेटिव भी हार्वेस्ट कर सकते हो. सो दिस इज़ द हाई टाइम जहाँ पर आप अपने एक अपने एलिमेंट में आकर, जो कि आपका एलिमेंट हाई प्रेस्टिस वाला है, यू ऑलरेडी नो एवरीथिंग, ठीक है, उस एलिमेंट में जाइए, चीज़ों को समझिए, फाइनली एक एनालाइजेशन में आकर डिसीजन मेकिंग कर लीजिए, फाइन, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए. और ये नाउ दिस इज़ द टाइम वेयर यू आर प्लांटिंग द सीड्स, और ये आपके फ्यूचर के लिए भी है. जैसे आप यहाँ पर अपना फ्यूचर सो करोगे, वही आपको हार्वेस्ट में भी मिलेगा. इफ़ यू आर सोइंग द सीड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, पॉजिटिव फ्यूचर, यू आर गोइंग टू गेट द सेम. ओके, बट आपकी इनर नोइंग पर डिपेंड करता है कि आप क्या सो करने वाले हो, कौन से सीड्स यहाँ पर आप सो करने वाले हो, ताकि आपको जो मिल रहा है वो एक पॉजिटिव होना चाहिए. ओके, तो आपको पता है गाइस के व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू, जस्ट गो फॉर इट. लाइक अगर आप पेशेंटली बने हुए हो, किसी ऐसे चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हो जहाँ से आपको पता है कि क्या होना है, तो जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट डोंट वेस्ट योर एनर्जी, और उस चीज़ की तरफ रादर फोकस कीजिए जो आपके बेटरमेंट के लिए सही है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही है, और आप क्लियरली देख सकते हो कि वहाँ पर आपकी हैप्पीनेस जुड़ी हुई है, और उसी एक पर्सन के लिए या फिर उस एक सिचुएशन के लिए फोकस होकर वहाँ पर अपनी सारी एनर्जीज़ को चैनल कीजिए, वहाँ पर उन सीड्स को सो कीजिए, ताकि आप अपना ब्यूटीफुल सा फ्यूचर हार्वेस्ट कर सको. ऑलराइट, तो यही आपके लिए सजेशंस थी गाइस. आई होप ये एनर्जीज का शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा. इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हैं तो ज़रूर आप लोग मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस. तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली पिक कार्ड रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.